हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेविंग अमेजिंग प्लेस ब्लॉग। सबको हेलो, हाय, नमस्ते। मैं हूं दुर्गेश, ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। भाइयों, तो थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। मैं हूं आईटी का बंदा, घूमना ही है मेरी हॉबी, नेचर से बहुत प्यार है। तो भाइयों, इस ब्लॉग में मैं आपको घुमाने वाला हूँ माउंट आबू, रौनकपुर एंड नाडोल, आशापुरा माता जी का मंदिर। सो फ्रेंड्स, बहुत से यूट्यूबर्स भाइयों को देख के बहुत इंस्पायर हुआ, तो बस अपन भी ट्राई कर रहे हैं आप लोगों को कुछ अलग दिखाएं इस ब्लॉग में। तो आप लोगों को उतना अच्छा वीडियो क्वालिटी नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज फ़ोन से उतना अच्छा वीडियो नहीं बना पाया। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ट्राई करूंगा कि छोटी से छोटी चीज़ों का को मेंशन करूं, ताकि आप लोग अगर घूमने आएँ तो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रहे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं रहता हूँ राजस्थान में, तो घर से मॉर्निंग में निकलते निकलते 9 बज गए थे। सबसे पहले प्लान हुआ कि नाडोल माता जी के दर्शन किया जाए। ये ट्रिप फुल फैमिली के साथ था, मम्मी पापा का बहुत मन था माता जी के दर्शन करने का। तो फ्रेंड्स, नाडोल एक्चुअली पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एंड जोधपुर से टोटल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर है। थोड़ा सा आपको माता जी के इतिहास के बारे में बता दूं। इस मंदिर की स्थापना नाडोल में चौहान राज्य के संस्थापक लक्ष्मण चौहान लखनसी चौहान ने कराई थी। नैन्सी की ख्याति के अनुसार लखनसी चौहान लक्ष्मण को नाडोल का राज्य आशापुरा माता की कृपा से मिला था। आशापुरा माता का मंदिर नाडोल कस्बे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फ्रेंड्स, मंदिर पर मंदिर तक पक्का सड़क बना हुआ है। अब प्राचीन मंदिर के स्थान पर संगमरमर के नवीन भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसकी नक्काशी और कला को देखते ही आपको इतनी शांति मिलेगी। इतना अच्छा, इतना सुंदर भव्य बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जर्नी। ये देखिए यहाँ के रास्तों के नज़ारे, बस थोड़ी देर में ही मंदिर पहुँचेंगे एंड वहाँ दर्शन कराएंगे आपको माता जी का। तो देखिए फ्रेंड्स, माता जी का मंदिर कितना भव्य बना हुआ है। यहाँ की मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। मंदिर के अंदर फोटो वीडियो लेना मना है। आप लोगों को माता जी के मंदिर तक नहीं दिखा पाऊँगा, बट एक फ़ोटो है जो मैं जो शॉप से मैंने लिया था, उसकी फ़ोटो मैं आपको यहाँ दिखा दूँगा। आप लोग एक बार यहाँ का प्लान करें, बहुत ही भव्य मंदिर है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, यहाँ शांति मिलेगी। मंदिर से जस्ट बाहर निकलते ही भैरव बाबा के दर्शन भी आप लोग कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए आप मंदिर परिसर से ही खरीद सकते हैं। और दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ मंदिर परिसर में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, बहुत ही कम पैसों में कूपन लेकर। सब व्यवस्था मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। तो फ्रेंड्स, मंदिर के दर्शन करके बढ़ते हैं आगे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, रौनकपुर। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाता हूँ रौनकपुर का जैन टेंपल। चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं कि क्या गलतियाँ हुई, हमें इंस्पायर करें। तो यहीं एंड करता हूँ एपिसोड। मिलते हैं आपको अपने चैनल ट्रेवल अमेजिंग प्लेसेस ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।